उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकारियों की मनमानी किस तरीके से जारी है, ये एक विधायक के ऑडियो कॉल से आज आपको समझ आ जाएगा। आज आपको यूपी के एक विधायक का ऑडियो सुनाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती को लेकर विभाग के एक बड़े अधिकारी को फोन मिलाया, तो सुनिए क्या बात हुई। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर नमस्कार। नमस्कार ऐसी साहब सर, मित्तल जी ये जो पीछे आवाज कुछ आ रही है उसको बंद कर दीजिए। आवाज आ रही है रहो। हाँ, ये जो बिजली की समय समस्या चल रही है, लो वोल्टेज और 12 से 14 घंटे कटौती, चाहे राजापुर, चाहे बरगढ़, चाहे हमारे मारकुंडी क्षेत्र में ले लीजिए, रानीपुर गिद्रोहा वगैरह का तो छोड़ ही दीजिए, उधर तो मतलब चूरे के चुरे वगैरह ईश्वर मालिक है, यहाँ भौरी ले लीजिए, मऊ ले लीजिए, रामनगर ले लीजिए, कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ से शिकायतें लगातार नहीं आ रही है। लो वोल्टेज बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। कल मैंने आपको बोला राजापुर के लिए, तो आपने बोला वो ठीक हो जाएगा, राजापुर से भी अभी समस्या। तो राजापुर मैंने कहा था ना मंडे को वीसीसी बदलेंगे, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वीसीसी में, अगर थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। माननीय मंत्री जी के माननीय, बात सुनिए बात सुनिए, जब हम फोन किया करें तो बात सुनाया करिए, जब आप फोन किया करें तो मैं सुनूं तो ज्यादा उचित रहेगा। अभी स्थिति लगातार माननीय मंत्री से बात करने पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि चार घंटा पांच घंटे कटौती, और मौके पे 12 से 14 घंटे कटौती, रात में लोगों के यहाँ बिजली नहीं आ रही है। अगर आज रात तक ये व्यवस्थाएं आप अपनी सुधारेंगे नहीं, तो ये आप लिख लीजिए कल रात्रि से आप और समस्त SDO जो कर भी रह रहे हैं, पहले तो SDO को अपने अपने जहां पे तैनात है वहां गांव में रहना शुरू करें, रात्रि विश्राम जिस दिन गांव में कराना शुरू कर दूंगा मैं, फिर आप लोगों को किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी रुकूंगा और आप सब भी रुकना पड़ेगा, रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। जिस हालत में गांव वाले, बात सुनिए, जिस हालत में गांव वाले रह रहे हैं उस हालत में आप सबको रहना पड़ेगा। भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, फजीहत मत करवाइए, खाली बिजली की वजह से इतनी हम लोग को कोस रहे हैं लोग, वो कोसना बराबर से आपका तक जाएगा, मतलब आप भी चल के गांव में प्रवास करना चालू करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहेंगे हाँ बताइए। देखिए ये समस्या कोई ऐसा तो करने की जो है हमेशा से आ रही है, ये वर्तमान में समस्या हुई है अभी। अरे वर्तमान में करते करते एक महीना हो गया समस्या को, एक महीना जो सुन तो लीजिए सर आप, इसका मुख्य कारण यही है कि जो है इतना ट्यूबवेल सब चालू है धान की रोपाई के लिए, तो उससे कभी कभी ओवरलोडिंग आती है, छोटे होते हैं उससे आ जाती है। तो ये बात कनेक्शन देते समय नहीं सोची गई कि कनेक्शन दिया जा रहा है, ट्यूबवेल का अगर सिस्टम जा रहा है तो हमें उस हिसाब से अपनी क्षमता वृद्धि करनी है, ये तो पहले ही मालूम होना चाहिए ना कि इतने, ये तो आप, ये तो अंग गणित है कि अगर हमने इतने पंप दे दिया, इतना मोटर, आप अपने अपने बोलते जा रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ माननीय विधायक जी कि ये जो है इसकी जो ये तो केवल जब धान की रोपाई होती है तभी ये लोड बढ़ता है, हमेशा का नहीं है ये लोड। और ये जो आपने बताया कि लो वोल्टेज का दिया जाता, एक विषय आपने बताया कि लो वोल्टेज का पूरे दक्षिणांचल विद्युत विघटन, तो लो वोल्टेज का भी कारण वही है ना कि इस समय जो अब लोड बढ़ रहा है ट्यूबवेल का, वो तो जैसे लोड बढ़ता है वैसे वोल्टेज उसका असर आता है, वोल्टेज को उसका नहीं, जो पीछे से आपका जो पीछे से वोल्टेज नहीं आ रहा है तो उसके लिए किससे बात की आपने? पीछे के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मिल जाए, हमने अभी ट्रांसमिशन पे बात भी कर ली है। कौन है वहाँ पे, कौन देखता है इसको दक्षिणांचल में पूरे ट्रांसमिशन बाधा में बैठते हैं, रास्ते भी हैं, तो उनसे हमने बात कर ली है, हमने बात कर ली है उनसे, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वोल्टेज हमारे मेरे दो तीन विषय सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको आप मेरे, आप बात करिए ना करिए मुझे नहीं पता, अपने SDO को आप स्पष्ट निर्देश दे दीजिए, आज रात्रि तक ऊपर भी और नीचे भी, अगर आज रात्रि ठीक नहीं होता कल रात्रि से हम सारे लोग गांव में प्रवास करेंगे, रात गांव में सोएंगे, उसके बाद लाइट ठीक हो चाहे ना हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन सारे SC से लेके नीचे तक सब लोग अलग अलग गांव में प्रवास करेंगे, ये तय कर लीजिए। बता दें कि विधायक लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे थे,
लेकिन अधिकारी विधायक की बात को हल्के में लेते रहे। यही कारण है कि विधायक ने खुद रात्रि प्रवास की बात कही तो अधिकारियों ने इसको धमकी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। सवाल ये है कि अगर एक जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए अधिकारियों से सख्त लहजे में बात नहीं कर पाएगा तो जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों में कैसे कायम हो पाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।